है आपका। सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राजधानी रांची को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम भी कराया जा रहा है। रघुवर सरकार राजधानी रांची को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिन तालाबों में कभी कचरा भरा रहा करता था, वहां सफाई कर घाट बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ तालाबों के किनारे मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक का भी निर्माण कराया जा रहा है। रांची में 9 छोटे तालाब और एक रांची में जो हमारा अपर बाजार के पीछे एक बड़ा तालाब होता है, इन सभी के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया था। इसमें से तकरीबन 5 के सौंदर्यीकरण का काम कंप्लीट हो चुका है। एक का जो है 1 से 2 इस महीने या अगले महीने के प्रथम सप्ताह में उद्घाटन हो जाएगा और बड़ा तालाब का जो सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट है वो हमको लगता है दिसंबर के माह तक कम्प्लीट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के लगभग सभी तालाब हो जाएंगे और लोगों के टहलने के लिए घूमने के लिए भी वो अच्छी जगह रहेंगे और डेफिनेटली ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत बड़ा स्टेप हम लोग का रहेगा। तालाबों का सौंदर्यीकरण होने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। लोग अब सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए तालाबों का ही रुख कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण की खासियत ये है कि अब सब कुछ स्मार्ट सिटी के मुताबिक निर्माण हो रहा है। तालाब के चारों तरफ लाइटिंग दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। निर्माण होने से हम लोगों को बहुत फायदा है। हम लोग शाम सुबह घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और बिल्कुल सराहनीय पहल है और ये बहुत अच्छा है। इस जगह आसपास में कोई घूमने टहलने का स्थान नहीं है। एक टेंट पॉल है तो उसमें प्राइवेट लोग घूमना मना है और ये जो है सो आम नागरिक के लिए घूमने टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी चीज है कि तालाब की सफाई से और सुंदरता से काफी जो है यहाँ पर लोग प्रसन्न हैं और हम लोग सभी जो है इसका आनंद उठाते हैं। दोनों टाइम हम लोग जो है टहलते हैं। शहर में तालाबों के सौंदर्यीकरण से न सिर्फ पानी दूषित होने से बचेगा बल्कि पूरा शहर भी स्वच्छ होगा। इसलिए सरकार अब तालाबों के जरिए ही लोगों को स्वच्छता के लिए भी प्रेरित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन खबरों के साथ